हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मृति आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो आर्ट मेड इजी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है यूरोप की ला कंबारेली गुफा के बारे में। फ्रेंड्स, फ्रेंको कैंताब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत ला कंबारेली गुफा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस गुफा में सर्वाधिक चित्र इनग्रेविंग के मिले हैं। फ्रेंड्स, फ्रेंको कैंताब्रियन क्षेत्र के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। मैंने अल्तामिरा की गुफाओं के बारे में और फांतागाम की गुफाओं के बारे में भी डिटेल वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, फांतागाम की गुफाओं के पास में ही ला कंबारेली की गुफाएँ हैं। इन गुफाओं की खोज 1901 ईस्वी में हुई थी और इन गुफाओं की खोज करने में सर्वाधिक योगदान था एल कैप्टन, हेनरी ब्रुएल और पेरोनी। इन ये तीन लोगों ने मिलके ही इन गुफाओं का पता लगाया था। ये गुफाएं जो हैं ला इजीज नामक स्थान से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित हैं। इन गुफाओं में जो चित्र पाए गए हैं वो अधिकांशतः चित्र मैग्डेलियन युग के माने गए हैं और कुछ थोड़े बहुत चित्र ऐसे भी हैं जो पेरिगार्डियन युग के माने गए हैं, पर जो अधिकांशतः चित्र हैं वो मैग्डेलियन युग के माने गए हैं। यहाँ की मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पे जो अधिकांशतः चित्र हैं वो इनग्रेविंग हैं, मीन्स यहाँ पे कलरफुल चित्र नहीं मिले हैं। यहाँ पे जो भी चित्र मिले हैं वे रिलीफ आकृतियाँ ज़्यादा मिली हैं। ये जो गुफाएं हैं ये दो सकरी गैलरियों में हैं और जिनकी छत बहुत नीची है। ज़्यादातर गुफाओं में हमने देखा है कि उनकी छतें बहुत नीची हैं और इन गुफाओं ये जो दो सकरी गैलरियों जैसी हैं उसके बाद अंत में दोनों गुफाओं के लास्ट में एक बड़ा सा विशाल कक्ष या विशाल कमरा है जहाँ पे ये गैलरी खुलती है। बाईं तरफ की गैलरी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चित्र हैं। लगभग 750 फीट अंदर तक ये पहाड़ी चली गई है। यही हमने पहले भी देखा था कि अल्तामिरा की गुफाओं में और फांतागाम की गुफाओं में भी कि अधिकांशतः जो चित्र होते थे वो अंदर की तरफ गुफाओं के एकदम भीतरी कोने पे या अंधेरी जगह में देखे गए हैं, पर यहाँ पे जो कुछ चित्र हैं वो गुफा में प्रवेश करने से थोड़ी दूरी पर ही लगभग 70 गज तक सैकड़ों चित्र अंकित हैं। मतलब यहाँ पे जो चित्र हैं वो गुफा में थोड़ी दूरी पे ही प्रवेश करने पे वहाँ से वो इंग्रेविंग्स दिख जाती हैं। यहाँ पे क्या है, जितने भी इंग्रेविंग्स हैं इतनी ज़्यादा वहाँ पे रेखाओं से इंग्रेविंग की गई है कि कहीं कहीं पे किसी चित्र को पहचान पाना बहुत मुश्किल है। कहीं कहीं पे ध्यान से देखने पे आकृतियाँ बहुत सुंदर और बहुत से पशुओं की आकृतियाँ नज़र आती हैं, पर यहाँ की जो सबसे ज़्यादा विशेषता यही है कि यहाँ पे इंग्रेविंग सबसे ज़्यादा हुई है। यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे मैमथ जिसे विशाल हाथी बोलते हैं, इसका सबसे ज़्यादा और चित्रण मतलब सबसे ज़्यादा इंग्रेविंग और जो चित्रण हुआ है वो इसी गुफा में हुआ है। मतलब जो ये ला कंबारेली गुफा है ये मैमथ के लिए फेमस रही है। यहाँ पे जो प्रमुख पशुओं का अंकन हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा है हमारा बाइसन, रीछ, बारासिंगा, हाथी, हिरनी, सिंह, भेड़िए, एक लोमड़ी तथा 39 मानवीय आकृतियाँ। ये जो हेनरी ब्रुएल थे उन्होंने इन सब चीज़ों का एक लिखित प्रमाण प्रस्तुत किया था और उसके पश्चात ही उन्होंने ये डिवाइडेशन किया था। और यहाँ पे जो घोड़ा देखा, यहाँ पे जो घोड़ा बना है, अश्व बना है, वो कोल्ट नस्ल का है जिसके वंशज आज भी मंगोलिया तथा विश्व के कुछ चिड़ियाघरों में सुरक्षित हैं। ध्यान से पढ़िएगा, इन्हें प्रजेवाल्स्की के अश्व नाम दिया गया है। ये इसलिए मैंने आपको बताया है कि कई बार एक दो बार ये चीज़ देखी गई है कि ये पूछा जाता है कि प्रजेवाल्स्की के अश्व क्या हैं या ये किसे कहते हैं,
तो इसलिए ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो लाकम्बरेली की जो गुफाएं हैं, वहाँ पे जो हमने हॉर्स बना है, जो वहाँ इंग्रेविंग में जो हॉर्स बने हैं वो कोल्ट नस्ल के हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, प्रजेवाल्स्की के अश्व। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये दो लाइन डिटेल में बता दी। इसके अतिरिक्त क्या है कि यहाँ की गुफाओं में जो सबसे ज़्यादा, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इनग्रेविंग सबसे ज़्यादा हुई है, कलरफुल चित्र नहीं देखे गए हैं, यहाँ के जो इनग्रेविंग हुई है उसमें सबसे ज़्यादा पशु आकृतियों में डियर का है और हॉर्स का है। ये वहाँ का एक बहुत फेमस है, जिससे रेनडियर है, जो ड्रिंकिंग रेनडियर है, मतलब पानी पीता हुआ एक बारहसिंगा है, ये वहाँ का एक फेमस इनग्रेविंग है। रेनडियर में कंफ्यूज मत होइएगा, बारहसिंगा को ही रेनडियर बोलते हैं। ये एक नेक्स्ट इनग्रेविंग है, ये हॉर्स के हेड की है। ऐसी बहुत सी वहाँ पे इतने सारी इनग्रेविंग्स हैं कि उससे कुछ पशु आकृतियाँ बहुत क्लियर दिखती हैं और कुछ आकृतियों को पहचान पाना बहुत मुश्किल है। एक यहाँ पे एक और है जो डियर है विद अ लॉन्ग नेक, जिसकी बहुत लंबी सी गर्दन बनी है। एक नेक्स्ट यहाँ पे एक और है मैमथ। मैमथ मैंने बताया, मैमथ की बहुत ज़्यादा इनग्रेविंग यहाँ पे हुई है। यहाँ पे मतलब पशुओं की जो मतलब पशुओं की जो आकृतियाँ हैं उसकी बहुत सी वेरिएशंस भी दिखते हैं, मतलब अलग अलग नस्ल के और अलग अलग जातियों के भी अंकन हुए हैं। जैसे केवल अश्व के ही 4 जातियों का यहाँ पे अंकन देखने को मिलता है। यहाँ पे एक और फेमस चीज़ है कि बिल्ली की ही जाति का एक पशु भी अंकित किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लाकम्बरेली की गुफाओं की विशेषताएँ हैं। यहाँ पे जो मैंने पहले ही बताया कि सबसे ज़्यादा जो प्रागैतिहासिक काल में जो सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ है वो पशु आकृतियों का ही हुआ है। तो जो भी आसपास के क्षेत्रों में पशु मिलते थे या जो हिंसक जानवर उनको दिखते थे, तो उनका ही उन्होंने सबसे ज़्यादा चित्रण किया है। अब कहीं कहीं पे उन्होंने उसमें चित्र करके रंग भी भरा है और कहीं कहीं पे इनग्रेविंग या उसका उत्कीर्ण भी किया है। ऐसा इसीलिए माना जाता है कि जो लाकम्बरेली की गुफाओं में जो बहुत से रेखाओं के जाल मिले हैं या कहीं कहीं पे कोई आकृति नहीं पहचान में आ रही है, तो वो प्रारंभिक यानी पेरिगार्डियन युग की थी। और जहाँ जहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है पशु आकृति में बहुत सजीवता है, बहुत अच्छे से चित्रण, मतलब बहुत अच्छे से इनग्रेविंग की गई है, तो ये माना जाता है कि ये पर मतलब बाद के काल का यानी मैग्डेलियन युग के हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको यहाँ पे फ्रांस की एक फेमस गुफा लाकम्बरेली के बारे में बताया है। अब इसके आगे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी लास्को की गुफा के बारे में। लास्को की गुफा भी बहुत फेमस है और फ्रांस की सर्वाधिक प्रसिद्ध गुफाओं में से एक है लास्को की गुफा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।